हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा जो TSC सर्टिफिकेशन में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने देखा किसी किसी का जैसे पेमेंट हो गया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, रिफंड नहीं हुआ है या फिर कुछ भी है। तो TSC की वजह से हम वेबसाइट TSC में सर्च करता हूँ और मैंने ओपन किया जी, तो अभी यहाँ पर देखिए एक नया पॉपअप शुरू हो गया है। डियर कैंडिडेट, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक फॉर CC जनरल क्वेरीज डाउनलोड क्वेरीज। अभी जो जो सबकी क्वेरीज हैं, अभी एक नया ये आया है यहाँ पर ना लिंक, तो आप इसे इसे ओपन करके देखेंगे तो सारा लिंक पता पड़ जाएगा आपको। हमें इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर जो चल रहा है डाउनलोड क्वेरीज पर, और डाउनलोड जब हम करेंगे यहाँ पर ये डाउनलोड होके आ जाएगा। CC इम्पोर्टेंट जो भी नोटिस आया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन केस ऑफ नॉट रिसीविंग यूजर ID एंड पासवर्ड, सिटीजन नीड टू क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ऑन द पोर्टल एंड एंटर द रजिस्टर मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर। यदि आपके पास यूजर ID या पासवर्ड नहीं आया है तो क्लिक टू फॉरगेट पासवर्ड, जब लॉग इन करते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है वहाँ पर, फॉरगेट करके उसमें यूजर ID और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर भेज दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पेमेंट गॉट डिडक्टेड फ्रॉम सिटीजन बैंक अकाउंट एंड सी डिड नॉट रिसीव द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड इन डैट केस सिटीजन नीड टू वेट फॉर 24 to 48 आवर फॉर टू गेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यदि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं तो 24 से 48 घंटे का भी वेट कर लीजिए, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर भेज दिया जाएगा। यदि वायर रजिस्टर इफ सो फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट देन प्लीज़ वेट एज पर अमाउंट विल बी रिफंडेड विद इन 7 to 10 days। यदि आप वहाँ पर लॉग इन करके फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हैं और आपका वहाँ ये ऑप्शन आ रहा है कि फोन नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप 7 से 10 दिन में आपको पेमेंट रिफंड हो जाएगा। इफ़ ट्रांजेक्शन ऑन पोर्टल इज नॉट सक्सेसफुल पेमेंट गॉट डायरेक्टली, यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ, डिडक्ट हो गया है, तो आपके 7 से 10 दिन में पैसे भी रिफंड आ जाएंगे। इन केस ऑफ सर्टिफिकेशन डाउनलोड क्वेरी सिटीजन मस्ट बी कंप्लीट 10 असेसमेंट, पैसे में क्या होगा 10 असेसमेंट कंप्लीट करनी है, फिर एक फाइनल एग्जाम होगा आपका। 10 असेसमेंट तो सिर्फ ये इसलिए आपको एक नॉलेज करवा दें कि कैसे टेस्ट आएगा, तो पहले तो असेसमेंट पूरे करने 10 जो है, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम फाइनल एग्जाम पास करना होगा, तभी रजिस्टर वो मिलेगा आपको TSC सर्टिफिकेट। CC यूजर नेम एंड सर्टिफिकेशन नंबर आर सेम, यूजर नेम एंड सर्टिफिकेशन नंबर आर सेम, सिटीजन कैन अप्लाई न्यू CSE रजिस्ट्रेशन विद दिस नंबर। उस नंबर से आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन जब ही मिलेगा जब आप पास कर लेते हो। आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट द नेक्स्ट असेसमेंट विल ऑटोमेटिकली गेट्स अनलॉक, पहली असेसमेंट पूरा कर लोगे तो दूसरी अपने आप अनलॉक हो जाएगी। यूजर नीड टू एंटर करेक्ट डिटेल इन CC फॉर्म एज पर ID प्रूफ, ID प्रूफ के हिसाब से डालना, वरना हम क्या करेंगे जब TSC सर्टिफिकेशन को SSC के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे एरर शो कर देगा। एज पर द CCE पॉलिसी देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज प्रोफाइल डिटेल, प्लीज फाइंड द अटैच यूजर मैनुअल SOP एंड FAQ। इस पर भी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं आप क्या क्या है, FAQ क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम 50 क्वेश्चन होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस होंगे, पास परसेंट 50% मार्क्स लाने होंगे, टाइम ऑफ फाइनल ऑनलाइन एग्जाम 10 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन रिमोट प्रोटो एग्जाम, विंडो 10 OS विद रैम 4 GB, वेब कैम इंटीग्रेटेड ऑन एक्सटर्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी विद 1 MBPS स्पीड, सिटिंग रूम विद मिनिमम डिस्टरबेंस एंड गुड लाइट क्वालिटी की जब फाइनल एग्जाम होगा तो ये सब उसकी वजह। थैंक यू दोस्तों, तो फिर हम स्टॉप करते हैं हम ना।